हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज लेकर आए हैं बहुत ही कमाल का किचन टिप्स है, टिप्स एंड ट्रिक दोस्तों, जिसे देखकर आप लोग का डेली लाइफ का काम होगा आसान और साथ में समय की बचत होगी। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कबाड़ से जुगाड़। देखिए यहाँ पे हमारे घर में एक कार्टून आया था, कोई सामान आया था, तो इस कार्टून से हम आज आप लोगों को बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए बताएंगे, वो भी दोस्तों फ्री का, और बहुत ही अच्छा लगेगा, हमारे घर भी एकदम ऑर्गेनाइज हो के रहेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का जो हिस्सा था कार्टून में, वो दोनों तरफ से काट लिए हैं, और ये जो हम पतला वाला लगाएंगे, देखिए दोस्तों वहाँ पे खाली दिख रहा है, उसमें हम भर देंगे। और यहाँ पे एब्रो टेप ले लिए हैं और एब्रो टेप से पूरा फिक्स कर लेंगे इस कार्टून को, देखिए इस तरीके से। तो वहाँ पे देखिए एक सहन मतलब कि बराबर हो गया, और देखिए पूरे फिक्स कर लिए हैं, साट लिए हैं, अंदर के भाग था जितना भी एब्रो टेप से। और यहाँ पे हमें चाहिए एक कपड़ा, ये देखिए लंबाई चौड़ाई के नाप के, और नापने के बाद इसे कैंची से हम कट लगाएंगे। तो ये दोस्तों हम झोला एक ले लिए हैं, और ये मेरा कॉटन का कपड़ा का झोला था। तो इस तरीके से दोस्तों इसे हमें लंबाई के नाप में और काट लेना है। देखिए जितना हमें लंबाई चाहिए उतना हमें काट लेना है, और काटने के बाद इसे नीचे से भी हम इसे कट लगाएंगे ताकि कार्टून में हम अच्छे से पहना के और फिक्स कर सके। तो ये देखिए ये मेरा कट गया है। तो चलिए थोड़ा सा छोटा हो रहा था कार्टून में हम घुसाएँ, तो इसको हम जो लंबाई वाला भाग निकाले हैं उसको हम यहाँ पर सिलाई करके और जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जोड़ कर आप लोगों को से। देखिए ये जो हिस्सा है इसे हम जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए सिलाई कर ली है, सिलाई करने के बाद ये अब कार्टून में हम इसे पहनाएंगे इस तरीके से। अगर अच्छे टी शर्ट हो, जैसे कि बेकार अच्छे टी शर्ट नहीं, पहनने वाला नहीं, जो बेकार हो गया है, डिसकलर हो जाता है, टी शर्ट वगैरह भी कपड़े ले सकते हैं जो थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो हमारे पास यही था तो हम इसी से बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से पहना लेना है, और देखिए दोस्तों हम एब्रो टेप से पूरे वे फिक्स कर लिए हैं। देखिए ये मेरा बनकर हो गया है ऑर्गेनाइज़र रखने वाला तैयार। ये देखिए फ्री का जुगाड़ हो गया है दोस्तों। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा बना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा से बना है। और अब इसमें हम अपने रखने वाले हैं अपने घर के बच्चों के कपड़े। देखिए नए कपड़े हो या पुराने कपड़े हो, इस तरीके से सैार के रख सकते हैं, या बेडशीट वगैरह भी, बहुत सारे ऐसे कपड़े सैार के रख सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा और बहुत ही अच्छा से ऑर्गेनाइज होकर रहेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अभी इसमें भी कपड़ा आटेगा, काफ़ी सारे कपड़े इसमें अटेंगे। देखिए हमारे बच्चे इसमें सारे कपड़े सैार दिए। चलिए दोस्तों इसे हम रखते हैं कैसे। देखिए जैसा कि यहाँ कहीं पर भी रखिएगा, तो अगर एक और बनाए हैं तो इसके ऊपर एक और सरिया दीजिएगा, एक और सरिया दीजिएगा, रखने में भी आसान होगा। देखिए जैसे कि हम लोग इस तरीके से जब कपड़ा रखते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और इस तरीके से देखिए दोस्तों ये जो हम ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं इसमें रखें तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आइडिया ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों सिंक को लेकर, किचन सिंक को लेकर। देखिए खाने पीने का सामान जब हम लोग इसमें दोस्तों मांजते हैं बर्तन को, तो क्या होता है कि पाइपलाइन के थ्रू चला ही जाता है थोड़ा बहुत, और कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह ये सब हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है। तो वो सब को दूर करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक आइडिया लेकर आए हैं कि देखिए रात के टाइम ये प्रोसेस के करना है। यहाँ पे ले लेना है नींबू, अगर नींबू निचोड़ के भी रखे हैं उसका छिलका वो भी चलेगा दोस्तों, सिर्फ स्मेल काफ़ी है कीड़े मकोड़े के लिए। यहाँ पर इस तरीके से नींबू को रख दीजिए रात में, और एक कटोरी से ढक दीजिए, तो क्या होगा कि कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। कीड़े मकोड़े निकलते हैं कान खजूरे दोस्तों, तो हमारे किचन काउंटर पर जाके पूरा किचन एरिया गंदे कर देते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, आइडिया यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चले देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे घर में एक पंखा आया था, तो उसी में ये कूट दिया हुआ था कार्टून, तो इससे हम अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पे देखिए ये हम बनाएंगे क्या दोस्तों, तो देखते जाइए। यहाँ पे देखिए नीचे वाला हिस्सा में थोड़ा सा इसमें हम गोल काट लिए हैं कूट, और कूट को काटने के बाद इसे हम साटेंगे। तो यहाँ पे ले लिए हैं फेविकॉल, और फेविकॉल से इसे हम फिक्स करेंगे ताकि ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बन जाए अच्छा से, देखिए दोस्तों इस तरीके से। और अब इसमें हम एब्रो टेप से इसे फिक्स कर लेंगे, बाहर से साट देंगे अच्छे से। ये देखिए थोड़ा फेविकॉल जो है देरी से सटता है, ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से कवर कर लेना है ताकि बढ़िया से बन जाए ऑर्गेनाइज़र। तो टेप लगा के पूरे गोलाई में हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पे ये हम टेप लगा के दोस्तों साट लिए हैं, और साटने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अगर रंग बिरंगे जो चार्ट पेपर होते हैं अगर वो होता तो उसे भी हम साट देते, अच्छा लगता देखने में। इसमें हम रखने वाले हैं अपने घर के कलम को, कलम दोस्तों पेन, ये सब बच्चे के पेन पेंसिल, अच्छा लगता है देखने में। आज
का वीडियो कैसा लगा, जरा सा भी यूजफुल लगा हो, काम का वीडियो लगा हो तो लाइक करने के साथ शेयर कीजिएगा, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से हम न्यू वीडियो टिप्स एंड ट्रिक वाला लाते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।